बरखा जोशी का बर्थडे हो और बरखा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मेरा बर्थडे है इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग मंदिर जाएंगे, लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया था कि मंदिर जाना है तो जाना है, चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए। इसीलिए हमने मंदिर जाने की शुरुआत उर्ग के मंदिर से की। ये हमारी इष्ट देवी का मंदिर है। ये उग्र काली का मंदिर है, इन्हीं के नाम पे इस गांव का भी नाम पड़ा था। हालांकि धीरे धीरे बाद में गांव का नाम उग्र काली से उर्ग पड़ गया। इस मंदिर की स्थापना 1883 में हुई, लेकिन पहले ये छोटा मंदिर था। 1992 में इसका पुनर्निर्माण किया गया, मंदिर को रेनोवेट किया गया, दूसरे देवी देवताओं की फोटो वाले टाइल्स लगाए गए। इस मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1992 में हुआ था, लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। क्योंकि मंदिर के अंदर ज्यादा लोग नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर काम चल रहा है। जगह ज्यादा बढ़ाई जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सके। ये देखिए, यहाँ पर एक हवन कुंड भी रखा हुआ है, यहाँ पर जागरण भी होते हैं। ये जो आप दो येलो पाइप देख रहे हैं, उन्हें छात या डोला रखने के लिए बनाया गया है। मान्यता है कि छात को जमीन में टच नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनके डंडों को इन पाइप के बीच फंसाया जाता है। आजकल मानसून का सीजन चल रहा है, इसीलिए मंदिर के गेट पर बोगनवेलिया के फूल से लदे पेड़ को देखकर दिल खुश हो गया। हमारी इष्ट देवी यानी उग्र काली के मंदिर के बाद हमारी अगली मंजिल थी कोटवी देवी का मंदिर। ये भी हमारी पंच देवी देवताओं में आती हैं। इनका मंदिर घुनसेरा गांव के ऊपर है। ये मंदिर काफी हाइट पर है, इसलिए यहाँ आने के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हालांकि अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, इसलिए थोड़ा आसान हो गया है और ये मंदिर काफी शानदार है। तो चलिए अंदर घूमने चलते हैं। कोटवी देवी का मंदिर एक गुफा के अंदर है। इस मंदिर की छत और दीवारें नेचुरल रॉक से बनी है। चलिए अब मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, आइए। ये देखिए, ये ऊपर चट्टान, और ये देखिए यहाँ पे, ये है कोटवी देवी का मंदिर। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है इधर। चलिए गुफा के थोड़े अंदर तक जाते हैं। ओह माय गॉड, थोड़ी फिसलन हो रही है, ध्यान से जाना पड़ेगा, कहीं फिसल ना जाए। अरे यहाँ पे पानी है, ओह तुम भी आराम से आओ। हालांकि गुफा तो यहीं तक ही है, लेकिन यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। इस मंदिर की लोकेशन बहुत ही शानदार है। ये मंदिर अशुचला डाणे में स्थित है। देखिए अभी वहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, वरना अशुचला की चोटी भी दिखाई देती है। लेकिन कोई बात नहीं, वो चोटी तो हमेशा दिखाई देती है। लेकिन आज जो मुझे खास बात ये लग रही है वो ये है कि देखिए कोहरा कितना बढ़िया लग रहा है, हमसे कुछ ही मीटर दूर है। वो देखिए वहां पर भी कोहरा, और ये देखिए ये है घुनसेरा गांव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर घुनसेरा गांव के थोड़े ऊपर है। और वो देखिए सामने ITBP, जाजर देवल, हवाई पट्टी सब दिख रहा है। हालांकि हमारा असली गांव तो डुंगरी है। वो देखिए, वो जो पीली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, वो है डुंगरी। ये देखिए कितना शानदार नजारा है, खेत भी दिख रहे हैं। मतलब यहाँ की ग्रीनरी देख के तो मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। ये देखिए कितना हरियाली हो रखी है, मतलब आधा गांव तो पेड़ों से ही ढका हुआ है। सिटीज वाले तो सोच भी नहीं सकते कि कहीं इतनी ग्रीनरी भी हो सकती है कि नहीं। और ऊपर से ये देखिए आज का मौसम तो एकदम अलग ही हो रखा है। देखिए पहाड़ से नीचे आ रखे हैं कोहरा, ऐसा लग रहा है कि कोहरा और बादल दोनों मिक्स हो रखे हैं। आपको याद होगा मैंने खूनी गांव का वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो बनाने के लिए जिस मंदिर में मैं गई थी, नौलाकोट मंदिर, आज उससे भी नीचे आ रखा है कोहरा। सोचिए असुर और छुरमा देवता की पूजा के साथ
जन्मदिन पर हमारा मंदिर दर्शन का प्रोग्राम खत्म हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी और हम मंदिर आए। और अब देखिए मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है। उम्मीद है कि भगवान हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।